देशव्यापी लॉकडाउन ने आपके घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। आपको ये याद रखना है कि घर से बाहर पड़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है। ये जहां सो गया आसमां सो गया ये जहां सो गया आसमां सो गई है सारी मंजिलें ओ सारी मंजिलें सो गया है रास्ता। हाय मैं हूं नमिता सचदेव एंड एज वी ऑल नो कि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम जिंदगी की बात करें तो उसमें भी कभी कभी कुछ पॉजिटिव होता है, कभी कभी कुछ नेगेटिव होता है। अब लॉकडाउन की सिचुएशन हमें से किसी ने इमेजिन तो नहीं की थी, लेकिन अभी हो गया है तो क्या कर सकते हैं, है ना। हमें इसे फॉलो करना ही होगा बिकॉज वी हैव टू फाइट कोरोना। कोरोना का जो कहर है उससे हमें बच के बाहर निकलना है एंड एज अ सिटीजन ऑफ आर कंट्री वी ऑल आर वन एट दिस टाइम। लॉकडाउन को इस तरह से ले रहा हूँ कि जो मैं 35-36 साल की सर्विस के दौरान नहीं सीख सका और कुछ कर सका परिवार के लिए, वो सब कुछ मैं अब कर रहा हूँ। In lockdown, I like to spend time with my baby and I want to keep myself fit and healthy. मैं करता हूँ lockdown में अपनी पढ़ाई और अपना sports। मैं lockdown का पालन करता हूँ, राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करता हूँ, लोगों को इसके बारे में जागरूक करता हूँ। मेरे लिए लॉकडाउन का मतलब है अपने स्टूडेंट्स के बीच अपनी अवेलेबिलिटी को बढ़ाना, बच्चों को एकेडमिक्स के साथ साथ मोरल सपोर्ट देना। मेरे लिए लॉकडाउन कुछ को नहीं, अपने घर में रहें, अपने टावरा ना अपने बुजुर्ग ना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। मेरे लिए लॉकडाउन कुकिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बेस्ट है। लॉकडाउन नतून करे बाँचते सीखिए सीखिए हारिए जावर पुरानो सुर के नतून करे फिरे पावा। स्टे होम स्टे सेफ। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मैं इस लॉकडाउन पीरियड में घर में रहती हूँ, संगीत सुनती हूँ, गाती हूँ, गार्डनिंग करती हूँ, घर को सजाती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, अपने से प्यार करती हूँ और दुनिया में प्यार बांटती हूँ। मेरे लिए लॉकडाउन है कम से कम घर से बाहर निकलना, ज़्यादा से ज़्यादा घर में योग करना, फिजिकल वर्कआउट करना, स्टडी करना और मेरे जो ये बच्चे हैं पौधे प्लांट्स उनकी देखभाल करना। लॉकडाउन का मतलब है अपने बच्चे के अपने हस्बैंड नाल क्वालिटी टाइम स्पेंड करना के उना दिन में टेस्टी टेस्टी खाना बनाना। मो लॉकडाउन को पालना करी रहछु अनि सर मैडम हरुलाई हर दिन हर रोज नए नए चीज बनाएर भइरहन्छु, उनारको शहर को ख्याल राखी रहछु। ई लॉकडाउन में हमने के बहुत कुछ बनावे के करे के सीखने सन, अपना परिवार के जननी सन, आगे भी सरकार के नियम के पालन कर जाए, ई हमारे वो जिम्मेदार नागरिक के जिम्मा है। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, घूमेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियाँ गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। लॉकडाउन में मैं अपनी स्टडी फिटनेस आर्ट एंड क्राफ्ट और सिंगिंग पे फोकस कर रही हूँ। Lockdown has made me learn about the climate change going on in the country, whereas my family is staying at home.
and as a responsible citizen, we are all are following the lockdown. किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना, घर में रहकर ही बस दूर करो कोरोना. So during the lockdown, I've been studying for my exams, catching up on my hobbies, and practicing new skills. And by doing that, I'm acting as a model citizen. मेरे लिए lockdown का मतलब है योग, gardening, और work from home. फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया. जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया. ये lockdown का मतलब है योग, meditation के साथ साथ updating and upgrading myself, reading lots of plays, designing new modules for Masti Ki Paathshala, and of course working from home. मैं घर पे रहके अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे फोकस कर रहा हूँ. मैं घर से बाहर ना निकल के लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहा हूँ. लॉकडाउन का मेरे लिए मतलब स्वाध्याय यानी आत्मचिंतन, मेडिटेशन एंड हीलिंग. मेरे लिए लॉकडाउन का मतलब है कम खर्च में ज्यादा काम निकालना. अगर ये अब हो सकता है तो बाद में भी हो सकता है. वर्क फ्रॉम होम. आपको घर में रहो या लॉकडाउन में आपको घर में बनपन खाना बनाओ, वहाँ आप मालिक को खुवाओ और आप ध्यान रखो, आपके परिवार का ध्यान रखो. जरा दिक्कत से आपको घर में कर भी रखो. हम तुम इन कमरों में बंद हो तो कोरोना भाग जाए. मैं हूँ एक जिम्मेदार नागरिक. मैं हाँ एक जिम्मेदार नागरिक. मैं हूँ एक जिम्मेदार नागरिक. मैं भी हूँ एक जिम्मेदार नागरिक. मैं भी हूँ एक जिम्मेदार नागरिक. मैं एक जिम्मेदार नागरिक. मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक हूँ. मैं एक जिम्मेदार नागरिक. मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ. मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ. मैं हूँ एक जिम्मेदार नागरिक. मैं एक जिम्मेदार नागरिक. और मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ. मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ. मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ. मैं हूँ एक जिम्मेदार नागरिक. आमी एक जन सचेतन नागरिक. मैं हूँ एक जिम्मेदार नागरिक. मैं हूँ जिम्मेदार नागरिक. मैं हूँ इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक.